ये कहानी है शमशेरा की। साल 1871, गुलामी किसी की अच्छी नहीं और आजादी तुम्हें कोई देता नहीं, आजादी छीननी पड़ती है, ये कहना था शमशेरा का, जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों के हक हुकूक और आजादी के लिए जंग लड़ी। रणबीर कपूर की ओर से निभाए गए शमशेरा के किरदार को डकैत करार देकर शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को अंग्रेजी हुकूमत ने उसके खिलाफ उतार दिया। शुद्ध सिंह यानी आदिवासियों पर कहर बरपाने वाला दारोगा। अब शुद्ध सिंह इनकी सफाई करेगा। शमशेरा का ट्रेलर रिलीज होते ही क्यों बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करने लगा, ये हम स्टोरी में आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे अपील है, देशनामा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाने की, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। पहले रिलीज हुए शमशेरा के टीजर में भी रणबीर कपूर कहते नजर आए थे, सांसों में तूफानों का डेरा, निगाहें जैसे चील का पहरा। सांसों में तूफानों का डेरा, निगाहें जैसे चील का पहरा, कोई रोक ना पाएगा इसे जब उठे ये बनकर सवेरा, कर्म से डकैत धर्म से आजाद, कोई रोक ना पाएगा इसे जब उठे ये पल के सवेरा। करण मल्होत्रा के डायरेक्शन और यश राज फिल्म्स के बैनर पर बनी शमशेरा 22 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में रणबीर के अपोजिट फीमेल लीड में वाणी कपूर नजर आएंगी। इनके अलावा आशुतोष राणा और रोनित राय के भी फिल्म में अहम किरदार हैं। रणबीर की फिल्म ब्रह्मास्त्र भी इसी साल 9 सितंबर को रिलीज होनी है। ब्रह्मास्त्र का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उसके एक सीन पर आपत्ति जताते हुए बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड कराना शुरू कर दिया था। ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर के एक सीन में रणबीर कपूर को मंदिर में उछलकर घंटा बजाते देखा जा सकता है। उस सीन में रणबीर ने पैरों में जूते पहने हुए थे। अब शमशेरा का ट्रेलर 24 जून को रिलीज हुआ तो इसके साथ भी सोशल मीडिया पर विलेन शुद्ध सिंह बने संजय दत्त के गेटअप को लेकर कुछ यूजर्स ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। शुद्ध सिंह को फिल्म में अंग्रेजों का साथ देने वाला और लोगों पर जुल्म ढाने वाला दिखाया गया है। इस किरदार को शिखा यानी चोटीधारी और माथे पर त्रिपुंड तिलक विभूति लगाने वाला दिखाया गया है। ब्रह्मास्त्र और शमशेरा के इन दृश्यों के साथ ट्विटर पर बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करने लगा। कुछ यूजर्स की ओर से किए गए ट्वीट देखिए। अब देखना है शमशेरा 22 जुलाई को रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखा पाती है। कर्म से डकैत, धर्म से आजाद। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।